देखिए, नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, और उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है, अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है? क्या ये सहयोगी दलों का सम्मान करना नहीं जानते हैं? क्या ये उनसे ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं? क्या ये राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को ठीक ब्रीफ नहीं कर पाते हैं? भाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हमें ठेंगा दिखा दिया, ममता जी ने बंगाल में दिखा दिया, अखिलेश जी ने भिक्षा स्वरूप जैसे भीख में देते हैं ना 11 सीट देने की बात, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर लड़ेगी और समाजवादी 70 पे लड़ेगी। अब बिहार नीतीश कुमार जी ने पलटा ही मार दिया, पूरा तख्ता पलट कर दिया, पूरब से पश्चिम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए या उसको जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी नेता काम कर रहे थे, मैं आदरणीय खड़गे जी से और राहुल जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति, जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था, वो हमें छोड़ के चला गया। देखिए, ये सब का जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है, और इसमें मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इसके कहीं ना कहीं इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना और राहुल गांधी जी की यात्रा को पंचकों में शुरू करना। हिंदू शास्त्रों में जब पंचक लग जाते हैं, जब 14 तारीख को उन्होंने यात्रा शुरू की तो पंचक लग चुके थे, उसमें इतनी बड़ी लंबी यात्रा का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई दैवीय प्रकोप है, और होई है वही जो राम रची राखा को करी तरक बड़ा ढोंसा। आप ये कह रहे हैं कि